हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.2। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर F के 3 पॉइंट्स क्लियर कर चुके थे और लास्ट के 4 पॉइंट्स मैंने आपके शायद वर्कशीट में पूछे थे। तो जिन्होंने आंसर्स दे दिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन जो नहीं दे पाए हैं वो एक बार देख लें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था एक्चुअल में, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। ओके, सो इवन प्राइम नंबर्स की जो स्टार्टिंग हुई थी 2, 3, 5, 7 डेट डेट एज टाइप्स एंड फ्राइट तक प्राइम नंबर्स गए थे, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स क्या था, थर्ड वाले का आंसर, राइट द इवन प्राइम नंबर्स और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स, सो 2। ओके, एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स, तो 2 के बाद कौन सा ऑड नंबर्स आ रहा है, जस्ट 3, तो 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। तो फोर्थ नंबर का आंसर होगा 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ओके, सॉरी, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, सो कंपोजिट नंबर्स की अगर बात करेंगे, ओके, सो कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ओके, सो कंपोजिट नंबर जो होगा, एक 1 to 10 टेबल लिख लेते हैं, इसी के बीच में होगा, आपको चूज करना है। ओके, सो 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 4 तो इवन हो गया, 5, 6 की बात नहीं कर सकते, इवन है ये, इवन सारे हटा देते हैं, 7 हो नहीं सकता क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, 9, सो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 की टेबल में लाई करेगा, 3 की टेबल में लाई करेगा और इटसेल्फ की टेबल में लाई करेगा, तो मोर देन 3 फैक्टर्स, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 9, सो 9 इज द स्मॉलेस्ट, 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, 9 इज the smallest odd composite number। 6th नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द प्राइम ट्रिपलेट। सो ट्रिपलेट मीन्स जिसमें गैप क्या हो, इक्वल हो। एक छोटी सी 20 तक सीरीज नोट कर रहे हैं, यहीं पे आपको मिल जाएंगे, 2, 3, 5, 7 11, 13, बहुत गौर से देखिए, मिल गया है आपको शायद ट्रिपलेट, सेम जो डिफरेंस है वो कौन सा है, +2 and +2, तो 3, 5, 7 इज। ओके, सो ब्रैकेट में लिखेंगे 3, 5, 7 इज द प्राइम ट्रिपलेट, LET। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1। ओके, सो यहीं से ही देख लीजिए, फर्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 1। आगे भी कई सारे नंबर होंगे लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही से बताना है ना सिर्फ, राइट अ पेयर, एक पेयर बताना है ना, तो 2 और 3 का पेयर हो गया, सो 2, 3 इज अ पेयर हुज डिफरेंस इज 1। सो 2, 3 इज अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1। ओके, हुज डिफरेंस इज 1। क्वेश्चन नंबर जी जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर से थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें ट्रिपलेट पूछा गया था, इसमें ट्विंस प्राइम नंबर्स, मींस ऐसे दो प्राइम नंबर्स के सेट बताने हैं जिनके बीच डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है। सो जैसे थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ, जैसे 3, 5
ओके 5,7 ओके, फिर 7 के बाद 11 कोई गैप नहीं है, 11,13 13,17 नहीं बन रहा है, 17,19 मेक हो रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारे पेयर आगे भी आपको मिलेंगे ओके। सो इस टाइप से बहुत सारे आगे भी पेयर मिलेंगे, तो जो आगे पेयर्स होंगे तो वो आपको फाइंड करने, और जिसको नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ओके। सो आई थिंक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एच नंबर, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स। एक दो और बता दें क्या इसमें, चलिए बता देते हैं। जैसे 19 के बाद होगा 23, गैप नहीं बन रहा है, फिर 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, सो 29 एंड 31 का पेयर बनेगा ओके। 31 के बाद 37, 37 के बाद 41 नहीं बन रहा है, 41 के बाद 43, सो 41 एंड 43। तो इस टाइप से अब तो आपको समझ में आ गया है, नियर अबाउट 50 तक तो हमने बता ही दिया है, नेक्स्ट 50 आप फाइंड करेंगे ओके। क्वेश्चन नंबर एच में आते हैं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स ओके। जैसे 8 को हमें डिवाइड करना है ट्विन प्राइम्स में मतलब ओके। सो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिसका सम क्या होगा, 8 होगा। सो चूज करिए 3+5, मेरे लिए तो इजी है, आप लोगों को थोड़ा माइंड यूज़ करना होगा। जैसे 12th है, 12 तो 7+5, नेक्स्ट क्या है 36, इस पे थोड़ा माइंड यूज़ करेंगे कि बता दें। बता देते हैं 20 ट्विंस बताने ना, सॉरी। यहाँ पे आपको चूज़ करने होंगे आगे और कौन से नंबर है इसके बाद 23, सो सम इज 30, सम इज 36, 19+17 ओके। ट्विन मतलब दो दो का गैप हो ठीक है। सो 19+17 या 17 या जो भी लिख लें कोई गलत नहीं होगा, 17+19 ओके। सो आई थिंक इतनी बात सभी क्लियर हो गया। 24, 144, 84 ये आप ट्राई करिएगा, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं होगा मैं तो बैठा ही हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा बता देंगे ओके। सो बाय, टेक केयर एंड टेक अ कंटिन्यू क्लास ओके। वेल